दोस्तों मौजूदा समय में दुनिया के सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर्स में से एक शाकिब अल हसन है। हालांकि ये खिलाड़ी अक्सर मैदान पर अंपायर से झगड़ने लगते हैं। पिछले साल अंपायर से झगड़ा करने के मामले में खूब आलोचना हुई थी इनकी। हालांकि अपनी हरकतों से ये खिलाड़ी अभी तक बाज नहीं आए। शाकिब अल हसन ने ढाका के शेरे बांग्ला नेशनल स्टेडियम में फॉर्चून बरिशाल और खुलना टाइगर्स के बीच बांग्लादेशी प्रीमियर लीग में तीसरे मैच के दौरान अपना आपा खो दिया। ये खिलाड़ी एक बार फिर मैदान में अंपायर से झगड़ने लगे थे। फॉर्चून बरिशाल की पारी के दौरान शाकिब बल्लेबाजी कर रहे थे, तभी 16वें ओवर में एक गेंद उनके सिर के ऊपर से निकल गई थी, लेकिन लेग एम्पायर ने उसे वाइड नहीं दिया था। शाकिब इस बात से बिल्कुल खुश नहीं नजर आ रहे थे और उन्होंने अंपायर से बहस करना शुरू कर दिया था। इसके बाद शाकिब अंपायर की ओर आक्रामक तरीके से बल्ला लेकर चले गए थे और अंपायर पर चिल्लाए और दोनों के बीच एक गर्म बहस हो गई थी। अपोजिशन विकेट कीपर रहीम को बीच में आना पड़ा था और उन्होंने इस मामले को शांत कर दिया था। दोस्तों शाकिब का इस बिहेवियर के बारे में आपका क्या राय है प्लीज कमेंट करके बताइए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।